First question was 1 farad is how many picofarad? So 10^10 one picofarad is 10^-12 farad. So 1 farad must be 10^+12 picofarad. ठीक है, ये देखिए ना, 1 picofarad कितना होता है 10^-12 farad. So reverse it, 1 farad is 10^+12 picofarad. So your answer was A option, that was correct. Second question was the physical quantity having the unit voltmeter. It's very interesting. Voltmeter is a device also, and voltmeter is a unit also. So which device, which quantity is having the unit volt into meter? That means, so that was electric flux. We had discussed thoroughly in the exams. बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टू एरिया. इफ वी राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इट्स यूनिट इज वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर, एरिया इज मीटर स्क्वायर, सो इट कम्स आउट टू बी वोल्ट इन टू मीटर. थर्ड इज 2 point चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्जेस +4q एंड +q रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड अपार्ट विद अ फोर्स कैपिटल एफ बिटवीन देम. If 75% of charge is transferred from A to B, force between the charges becomes, you can solve and check, wo same rahega. So D part was the answer, F part was the answer. Fourth question is a charge small q is placed at midpoint of a line joining two equal and like point charges, capital Q each. ठीक है, और center पे एक मिड पॉइंट पे बिल्कुल हमने क्यू रखा है, इट इज एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट. दिस चार्ज विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम फॉर विच वैल्यू ऑफ क्यू. आप देखोगे कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ चार्ज दिस चार्ज विल रिमेन ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज इट इज केप्ट एट मिड पॉइंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस. तो जितना भी इसका मैग्नीट्यूड हो, इट विल ऑलवेज बी एक्सपीरियंसिंग इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स फ्रॉम बोथ द साइड्स. तो ये हमेशा ही इक्विलिब्रियम में रहेगा. तो आंसर इज ऑल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी जीरो बिकॉज अर्थ इज अ कंडक्टर. द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मेटल्स इज आंसर था इनफाइनाइट बिकॉज अगर हम के का फॉर्मूला देखें, ई नॉट ओवर ई, वेयर ई इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ई इज रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फॉर कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा था व्हेन इट इज कैप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. फॉर अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज जीरो इनसाइड. सो व्हेन वी पुट इन दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इट कम्स आउट टू बी इनफाइनाइट. सो दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर मेटल्स इज इनफाइनाइट. व्हेन वी डिड द कैपेसिटर्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस एंड इफेक्ट, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टिंग प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, तब हमने ये डिस्कस किया. If you remember, polarization of dielectric topic में हमने इसको discuss किया था. Seventh is a small metal ball is suspended in a uniform electric field with the help of an insulating thread. If high energy X-ray beam be made to fall on the ball, what will happen to the ball? Ball deflect होगी कि नहीं होगी? X-ray beam से हमने उसको charge कर दिया, तो क्या वो deflect होगी, field की direction में होगी कि opposite होगी? तो फोर्थ पार्ट वॉज द आंसर, इट विल बी डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्यू ई, सो फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन इट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, राइट, बिकॉज दैट बॉल वॉज न्यूट्रल. सो व्हेन इट इज चार्ज विद द हेल्प ऑफ एक्स रेज, इट विल बी एक्सपीरियंसिंग सम फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल ई एक्सियल ओवर ई इक्वेटोरियल, आपको याद होगा फॉर अ शॉर्ट डायपोल आर फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन वाज के इनटू 2R, के इनटू 2 कितना था एक्सप्रेशन, हमने क्या किया था उसको राउंड ऑफ कर दिया था ओवर आर क्यूब. ठीक है, और ई इक्वेटोरियल कितना था उसका, हाफ था, के टाइम्स पी ओवर आर क्यूब इट वॉज. So when you compare, E axial comes out to be twice E equatorial. These are the special cases we have taken for short dipole. Ninth question is electric field intensity is usually
taken to be dash percent of dielectric strength. So those who attend the classes, they must be knowing ki for safety reasons, we take electric field to be 10% of dielectric strength, because I told you what is dielectric strength. It is minimum electric field intensity that can be applied to a dielectric without causing its breakdown. So it's 10%. So those who don't attend the classes, वो इतनी माइन्यूट चीजें उनको पता नहीं चली होंगी, अपने आप बुक में से पढ़ के नहीं पता चली होंगी. टेंथ क्वेश्चन इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम फॉर एन ओरिएंटेशन ऑफ सेकेंड पार्ट 180 डिग्री. सी हाउ वी कैन एक्सप्लेन. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? माइनस टी ई कॉस थीटा. व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, वी पुट इट हियर माइनस पी ई कॉस 180. कॉस 180 इज माइनस 1. कॉस 180 कितना होता है? माइनस 1. सो पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम, हाईली अनस्टेबल स्टेट. सो फॉर व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ डायपोल दिस हैपेंस? दिस इज हैपनिंग फॉर 180 डिग्री ओरिएंटेशन. सो दीज वर ऑल द एमसीक्यूज. नाउ लेट्स डिस्कस द थियोरी पार्ट. First was write the unit of capacitance, that is farad. Unit of capacitance is farad. ठीक है, ये तो पता ही है आपको. MCQ में भी farad आपने पढ़ ही लिया था. तो unit of capacitance is farad. Second part was electric flux. So just you had to see कि किस तरह से आपको आंसर करना है. अगर आपको वो क्वेश्चन आता था कि किसका यूनिट वोल्ट मीटर है, तो आप फ्लक्स का भी लिख सकते थे. Otherwise, you could have written Newton meter square per coulomb or volt meter also. Both answers are correct. Draw equipotential surfaces for a system consisting of two charges, plus Q microcoulomb and minus Q microcoulomb, separated by 9 cm. तो ये एक dipole हो गया ना, तो आपको dipole के लिए equipotential surfaces draw करने थे. तो एक आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, एक आपका नेगेटिव चार्ज हो जाता है. एंड ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप रिमेन्स कि वी आर टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. वो आप लोगों ने स्किप किया था मैक्सिमम, और जो पैटर्न बनाया था वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कैसा पैटर्न आप लोगों ने, कई बच्चों ने, वरुण ने कैसा बनाया था, हरसिमर ने कैसा बनाया था. ठीक है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव फर्स्ट वी विल ड्रॉ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. देन to show that equipotential surfaces are always perpendicular, तो फिर ही आप बना सकते हो उसको. पहले आपको इलेक्ट्रिक लाइन्स बनानी चाहिए, पॉजिटिव आउटवर्ड्स, नेगेटिव इनवर्ड्स. आफ्टर दैट यू कैन ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस. तो दीज टाइप्स ऑफ सर्फेसेस वर देयर. प्लीज डू द प्रैक्टिस ऑफ दीज थिंग्स. जिनमें आपको कुछ ड्रॉ वगैरह करना है, इन चीजों की प्रैक्टिस करिए. ठीक है, ये थे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल. 13th, why is it safe to remain in your car during a thunderstorm than to stand under the tree? This is electrostatic shielding, electrostatic screening. Proper answer was required because this question was of 2 marks, not of 1 mark. Okay. आप सिर्फ इतना ही लिख दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है इनसाइड अ कंडक्टर. ना आप हॉलो कंडक्टर का नाम ले रहे हो, ना आप उसका नाम ले रहे हो कि फैराडे केजेस. ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग एंड दीज हॉलो कंडक्टर्स, दे आर कॉल्ड फैराडे केजेस और हॉलो कंडक्टर्स. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग और शील्डिंग. ये आपको एक्सप्लेन करना था अच्छे से. सो हियर द कार इज a hollow conductor, it is acting like a Faraday cage. So when we sit inside, we'll be safe from external unwanted electric fields, lightning and thunderstorm. 14, show that polarization density is numerically equal to new surface charge density. तो इसका जो treatment था वो कुछ ठीक नहीं किया आप लोगों ने. आपने कैसे करना था? Polarization density की definition से you could have started. That is, it is induced dipole moment per unit volume. ये इसके इस फॉर्मूला से आपको स्टार्ट करना था. सो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, एंड वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. सो क्यू आई ओवर ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, इज सरफेस चार्ज डेंसिटी.
induced surface charge density. तो बस ये इतना सा टू स्टेप्स का प्रूफ था. 15 था, देयर आर 1000 ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस 1 mm एंड चार्ज 1 μC कोलेस टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप. यू हैड टू फाइंड पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप. तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमने किया हुआ था. इट इज n रेज टू पावर 2/3 टाइम्स द पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल ड्रॉप. एंड हाउ कैन यू फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू अ स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉप using the very basic formula of potential k q by r 1/4πε0 q by r. Calculate number of electronic charges originating from 1 coulomb of charge. To my surprise, this question many students they did wrong. वो कहते हैं ना कि जब paper का question कुछ ज्यादा ही easy आ जाए तो तब भी हम उसको wrong कर देते हैं. वो चीज हुई आपके साथ. This is a 10th standard question. Q is equal to NE. Just you had to find the number of electrons originating from 1 coulomb of charge. I don't know ki why you people are using Q by epsilon naught and putting the value of permittivity here. There was no need at all. Ye to 10th standard ka question hai. Given charge 1 coulomb and electronic charge we already know. So what was the answer going to be? 6.25. I think ye aapko वैसे ही याद है. ये इतना कॉमन एमसीक्यू है जो आपको वैसे ही याद होगा, है ना. तो क्या किया आप लोगों ने, आपने फ्लक्स कैलकुलेट कर दी. नंबर ऑफ लाइंस नहीं पूछा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस पूछा हुआ है. बच्चे ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आस्क्ड हियर. 17th इज डिराइव इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. तो वो आपका हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी आता है, हाफ सी वी स्क्वायर आता है या हाफ क्यू वी आता है. And electrostatic energy, energy per unit volume is half epsilon naught E square. Up to here you had to go, so you had to derive. 18th question में बहुत बच्चों ने 3 marks lose किए. देखिए numerical था, है ना. तो 3 capacitors बन गए ये. बिल्कुल इस type के questions हमने 2 materials के लिए किए थे class में. So it was just a generalization. That the capacitor is filled with 3 dielectrics. तो बच्चे ये parallel में नहीं, ये 3 capacitors series में बनते हैं. And remember, series में capacitance reciprocals का sum होती है, simply sum नहीं होती. So this system was equivalent to 3 capacitors in series combination. So we should have solved by this formula 1/C1 + 1/C2 + 1/C3. और माइंडेड एरिया ऑफ प्लेट्स इज रिमेनिंग सेम हियर. ये डिस्टेंस इंडिकेटेड था बिटवीन द प्लेट्स, d/3 d/3 हो रहा है. ये इंडिकेटेड था, कई स्टूडेंट्स ने एरिया को भी a/3 कर दिया था. बच्चे दैट इज नॉट गिवन क्लियरली इन द डायग्राम. इट इज गिवन एरिया ऑफ ईच प्लेट इज स्टिल रिमेनिंग द सेम, दैट इज a. तो आपको क्या करना था, इसका एक्सप्रेशन क्या बन जाता आपका. C1 फॉर एग्जाम्पल, एक तो कैपेसिटेंस k टाइम्स हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट a बाय d, और d कितना है, d/3. सो C1 C2 C3 यू कुड हैव रिटन अकॉर्डिंगली, और इस तरह से आपका आंसर आना. क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल. तो ये 0 आता है, ठीक है. 20th क्वेश्चन, ये बहुत बच्चों का रॉन्ग है दिस न्यूमेरिकल, दो इट वॉज वेरी वेरी सिंपल. How much force is experienced by 4 μC charge due to other 2 charges? Angle mainly क्या किया आप लोगों ने, angle was wrong. ये आपके 2 forces हो गए, ठीक है, और उनका जो resultant है ये आपका net force हो गया. This you were supposed to do F1, F2. ये जो एंगल था ना, ये 90 degree, आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों लिया हुआ था. 90 degree नहीं है ना, 60 degree वॉज गिवेन हियर, 60 degree वॉज गिवेन हियर. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी दिस मस्ट बी 60 degree. तो ये भी आपका 60 degree होना था वर्टिकली ऑपोजिट. तो जिन्होंने 90 degree लेके कर लिया ऑब्वियसली उनका रॉन्ग था. आपका F1 सॉल्व करके आता था 1.8 newton, F2 2.7 newton. And then you had to find the resultant using the same old formula. R is equal to under root a square plus b square plus 2ab cos theta. Theta is 60 degree. So
तो ये सॉल्व करके 3.9 समथिंग ऐसा न्यूटन आपका आंसर आ रहा था। राइट ए नोट ऑन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सिर्फ ये नहीं बताना कि रो क्या होता है, रो इज चार्ज ओवर वॉल्यूम। आपको हमने दो आर्टिकल्स करवाए हैं, एक इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी फाउंड, और दूसरा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों में से कुछ एक आप फाइंड कर सकते थे। नोट ऑन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डजंट मीन कि ओनली डेफिनेशन एंड फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, नो। तो जिन्होंने ऐसे किया है उनको फुल क्रेडिट नहीं मिला है। 22nd question is slab of dielectric constant epsilon r and thickness d by 3 is inserted between the plates of parallel plate capacitor of capacity C not, find the new capacitance. तो इसमें ये formula use करना था, C is equal to C not 1 minus d by t plus d by tk. This formula you had to use. इसको correctly नहीं use किया गया, तो आपने thickness जो है उसको पुट करना था टी को डी बाय थ्री, फिर वॉट एवर यू गॉट, और के को एप्साइलन आर सिंबल यूज कर सकते हो। तो डिनोमिनेटर में 1+2 एप्साइलन इस तरह से आ रहा था कुछ यहाँ पे एक्सप्रेशन, ठीक है, बस इसी को पुट करके सॉल्व करना। 23rd स्टेट एंड प्रूव गॉज़ेस थ्योरम, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फेरिकल शेल। तो ये थ्री केसेस थे, कई बच्चों का ठीक है, कुछ बच्चों ने सेम किया हुआ है वो स्फीयर वाला लास्ट डेरिवेशन जिसमें इनसाइड द कंडक्टर बिकॉज क्यू इज जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, वहां पे भी उन्होंने डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी शो की हुई है बिल्कुल सेम तरीके से, है ना, जबकि होलो कंडक्टिंग शेल इट्स क्लियरली रिटन दैट इट्स अ कंडक्टर, इट्स नॉट अ नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। वो लास्ट केस तब था जब वो नॉन कंडक्टिंग होता है, कंडक्टर के अंदर हमेशा ई जीरो रहेगा इनसाइड। 24 व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज कैप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट हैपेंस मींस टॉर्क एक्ट्स, व्हाट हैपेंस मींस टॉर्क एक्ट्स, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चे, आपको सिर्फ ये एक दो सेंटेंसेस में जस्टिफाई नहीं करना था इसको, ऑब्वियसली टॉर्क पूछ रहे हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा हैड टू बी डिराइव्ड, will it have translatory and rotatory motion, no, it will have only rotatory motion because of torque acts, it won't have translatory motion because total force becomes zero, plus qe minus qe becomes zero, when is the dipole said to be in stable, unstable, zero energy position, to ye aapne batana tha, stable equilibrium for theta 0 degree, because torque is zero, potential energy is negative, and unstable equilibrium for theta 180 degree because torque is again zero but potential energy is positive indicating instability, and in the third case zero energy potential energy will be possible when the angle is 90 degree, theek hai, when the angle is 90 degree. To ye sara aapne karna tha, so this is all about our paper, I hope next time you will do better, all right. So we are going to start with the current electricity next unit. Your next unit is current electricity. ठीक है, तो heading दे दीजिए. Second unit is current electricity. ठीक है, पहले तो ये सारा आपका base ही है current electricity. आपने 10th में ये यूनिट पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी वॉज योर फर्स्ट चैप्टर, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज करंट, चार्जेस के बारे में आपने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक है, तो वहां से हम करंट एंड ओम्स लॉ, देन रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, वो पहले सब आपका सेम ही रहेगा. आफ्टर दैट वील हैव मेनी न्यू टॉपिक्स एज वेल. किरचॉफ्स लॉ इज देयर, पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस दैट इज न्यू फॉर यू, slide wire bridge is the device that is new for you, combination of grouping of cells, theek hai, in series, parallel, mixed combination, these topics are new for you, okay, and concept of drift velocity is also there, though very easy, no problem, theek hai, so this unit is very easy, short and scoring also, but so many numericals based on combination of resistances and based on Kirchhoff's law of radiations. Usually in the board exams ek Kirchhoff's law ka example numerical aa hi jata hai, Kirchhoff's law ka zaruri hota hai, theek hai,
चलिए सो लेट अस स्टार्ट विद दैट. वी विल स्टार्ट फ्रॉम करंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मेन डिफरेंस. वी डिड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू करंट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी इज स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन. यू नो व्हेन द चार्जेस दे स्टार्ट मूविंग देन करंट इज फॉर्म्ड. ठीक है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी लिख लीजिए. इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन. So when the charges start moving, current is said to be flowing. So how do we define current? Current is rate of flow of charges through a conductor. Obviously, conductor में से ही current flow करेगा ना. तो हम यहाँ पे insulator तो mention कर नहीं सकते. तो हमें यही mention करना पड़ेगा कि through a wire through which current can flow that allows the current to flow. तो लिखिए current is defined as the rate of flow of charges. Rate of flow of charges through a conductor. Since its rate of flow, its formula becomes charge divided by time. So, talking in terms of symbols, I is equal to Q by T is the formula for current. I is equal to Q by T. And since we can write from Millikan's expression Q is equal to NE, we can also write I is equal to NE upon So accordingly, we can use this formula in numerical problems. You are already aware that unit of current is ampere. पहले 10th में आप कभी ampere लिख देते थे, but now I think you are grown up and you know ampere नहीं ampere होता है. This is a SI unit of current. So if we put in this formula, if we write all the units together, 1 ampere is 1 coulomb. Charge ka unit coulomb or time ka second. So 1 ampere is coulomb per second. So how can you define the unit of current? 1 ampere. So 1 ampere of current is produced when a charge of 1 coulomb flows through a conductor for 1 second. ठीक है? तो जब 1 second में 1 coulomb का charge flow कर जाएगा, तब 1 ampere का current flow करेगा. So write accordingly, write down the definition of 1 ampere. 1 ampere of current is produced. 1 ampere of current is produced when a charge of 1 coulomb. 1 ampere of current is produced when a charge of 1 coulomb passes through a conductor for 1 second. Passes through a conductor. For 1 second. Other units that we frequently use milliampere, then microampere, nanoampere, you already know their values. Milliampere is 10 raised to power minus 3 ampere, microampere is 10 raised to power minus 6 ampere, and nano means 10 raised to power minus 9 ampere. So milli, micro, nano, right? Milli, micro, nano. These are some commonly used units of current in the numerical problems. You will see. All right. So these are the units of current. What is the direction of current? You know, there are some positive and negative charges inside a conductor. So when we connect it to a battery, potential difference is applied. Okay. So the charges they start flowing. Electrons, they start flowing, they experience attraction towards the positively charged plate. So electrons, they start moving towards the positive plate, and positive charges, they start moving towards the negative plate. So current ki direction hum kahan se kahan lenge? From positive to negative or from negative to positive? So conventionally, it is said that direction of current is taken to be the direction of flow of positive charges. So since the positive charges are full flowing towards the negative plate, direction of current is taken to be from positive to negative terminal of cell or battery. ठीक है तो लिख लीजिए what is the direction of conventional current. Direction of conventional current is always taken to be from positive to negative terminal of cell or battery. It is taken to be From positive to negative term, जो आप draw करते रहे हो, 10th में भी draw करते थे, ठीक है?
So this is some basic about current. Now we have few definitions that are new to you. Current density is denoted by symbol J, and it is defined as current per unit area. Okay, so current density is current per unit area. So its formula becomes J is equal to I upon A or I upon S, whatever you call area. Okay, current is a scalar quantity because sometimes it is written as dot product of current density and area vector. Current is a scalar quantity, you know, to be more specific, it's a tensor, you know. ठीक है, वैसे ये tensor होता है. Tensor means it's a neither a scalar nor does it obeys the rules of vector algebra. ठीक है, because current has direction, we know, from positive to negative terminal. But it will flow always in the direction of shape of the conductor, according to shape of the conductor. If the wire is straight, current will flow in a straight direction. If the wire is circular, current will flow in a circular. So it is not having its own fixed direction. It is not obeying the rules of vector algebra. So current can't be said to be a vector also. So to be more precise, it's a tensor. But for mathematical reasons, we can take it to be a scalar quantity because it can be expressed as dot product of current density and area vector. So what is the unit of current density? Kaun batayega? Formula is in front of you. What is the unit of current density? Yes, students, bataiye, are you there? What's the unit of current density? What is the unit of current density, students? It's very simple for you to predict. Yes, Mansi, would you like to speak? Mansi, aap bataoge? Mansi? Yes, ma'am. Anji, bachche, formula aapke saath. Yes, ma'am. Unit batao, current density ka? Ampere per meter square. Yes, very good. Sabhi ko aata hai. To bola karo, koi baat nahi. Ampere per meter square, this is the unit of current density. Formula is there. You are smart enough to write the unit. I know that. Okay, students. So this is current density. All right.